ஹலோ, குட் மார்னிங் இந்தியா. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning, India. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. So sorry for delay. मैंने आपको बता दिया था मैसेज करके, मैं ही मैसेज आपको कर रहा था. मैं ऑफिस में बैठा हुआ था एक्चुअली सर का CGL का. एक्चुअली बच्चे देखिए, आप जानते हैं कि वाईफाई स्टडी में सब कुछ क्लास चलती हैं, SSC चलती हैं, जितने भी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है सब चला जाता है यहाँ पे. तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट आ गया था CGL के लिए कि सर कैसे उसको हम करें, क्या करें, तो उसके लिए स्पेशल सेशन आ गया था. तो आप जानते हैं कि हम लोग भाईचारे का एक संदेश देना पड़ता है, तो क्लास उसकी हो गई थी. सो सॉरी फॉर डिले. सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली क्या है कि सॉरी क्या बोलूँ मैं, सॉरी बोलने का मतलब नहीं है. आप लोगों ने इतना वेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच. आपका जो प्यार देखा मैंने, आपके कमेंट्स में देख रहा था, कमेंट्स इतने प्यारे आप कर रहे थे, आपस में इतना अच्छा डिस्कस कर रहे थे आप लोग अपने फ्यूचर को लेके, बड़ा अच्छा लगा. कि आप, कोई बच्चा MTech कर रहा है, कोई बच्चा जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा है, तो बेटा एकदम परेशान मत हो. जो भी है, देखिए थोड़ा सा इमोशनल हम भी हो जाते हैं आपकी फीलिंग्स को देखकर. एक बच्चे की रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे कि हम कोचिंग करने जाते थे तो हमको भी रिक्वायरमेंट होती थी कि हम भी प्रॉपर क्लास करें, प्रॉपर हमारे डाउट सॉल्व हों. मैंने भी बड़ी कोचिंगें की हैं, ऐसा नहीं है, कोचिंग हमने भी की है. बड़ी कोचिंग में क्या दिक्कत होती है कि आप डाउट नहीं पूछ पाते हो. 400-500 बच्चे अगर क्लास में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आप एक शब्द नहीं बोल सकते हो. जो टीचर ने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा, दैट्स इट, हो गया. हमने अपने टाइम पे कोचिंग की थी तो हमको कुछ नहीं पता था कि ऑसिलेटर क्या होता है, BJT क्या होता है. हमने फॉर्मूले रट लिए, थ्योरी रट ली, काम हो गया. लेकिन पैटर्न चेंज होता रहता है बच्चा, ठीक है. तो चलिए, सॉरी फॉर डिले जी. चलिए जी, स्टार्ट करें जी. हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली. 15 मिनट की बात हुई थी, लेकिन वो 15 से ज़्यादा हो गया. क्योंकि जानते हैं आप, जब एक सेशन स्टार्ट हो जाता है, इंट्रैक्शन हो जाता है, तो फिर आप जानते हो कि उसको हम एंड अप नहीं कर सकते उससे पहले. तो आपके डाउट्स जो होते हैं वो बिना बताए हम नहीं छोड़ सकते ना. तो वैसे ही, और मेरी आदत इतनी बेकार हो चुकी है कि बिना मिले आपसे मुझे रहा नहीं जाता. भले ही 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, लेकिन आपसे मिलने मजा आता है, ताकि आप लोग से इंट्रैक्शन हो सके. चलिए ठीक है. तो कल जो चल रहा था आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर, अब इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा. कारण यह है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तो इसको देखना पड़ेगा. अच्छा, मैंने कॉलेज टाइम पे क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ा था तो बहुत सारी दिक्कतें थी. तो आज का सेशन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट रखूँगा. आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको 12 बजे जगाऊँगा. कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा जॉब है, तो आप टेंशन मत लो, हम कम टाइम में बेटर करेंगे, ठीक है. तो पहले देख लेते हैं कि आपका जो ऑसिलेटर स्टार्ट होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर स्टार्ट होगा, उससे पहले आपका होमवर्क जो मैंने दिया था आपको, होमवर्क में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रॉकर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रॉक करते हैं ना आप लोग, तो हमारे कुछ बच्चे, प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने होमवर्क को प्रॉपरली किया है, अपने होमवर्क उन्होंने बहुत ही प्रॉपरली किया है. तो उनके नाम जो हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, दीपक कश्यप, UV अमन, अभिक रॉय, वशिष्ठा चक्रवर्ती, अलीसा शेख, दुर्गे प्रजापति, श्रिया जैन, सुभित तिक्रिया, प्रियंका सी पालेगर, दिनेश मीना, दीपक कश्यप, मौसमी पॉल, जतिन तनेजा, पूजा वर्मा, रोजी शर्मा, सौरव संतरा, कल्याणी सिन्हा, अनुपम पात्रा, पंकज ठाकुर, सरवर अली, मुनमुन त्रिपाठी, हरकिश ज्योति घोष, फ्यूचर ऑफ इंडिया. बहुत अच्छा नाम उन्होंने रखा है, फ्यूचर ऑफ इंडिया. आप लोग फ्यूचर ही हो, इंडिया के आप फ्यूचर ही हो, ठीक है. तो ये हमारे जो, और अंकित तोमर जी हैं, बिट्टू शाह जी हैं, सुभाषोत गोस्वामी जी हैं, इन्होंने प्रॉपरली अपने होमवर्क को किया है. भले ही आप कुछ भी करो, आपके डाउट हो, मीन्स आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ये मालूम चलता है कि हाँ आप इन चीज़ों से सीख गए. तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का लिस्ट जो है, हर फ्राइडे को मैं निकालूंगा. जितने बच्चे फुल वीक में पढ़ते हैं मुझसे, डाउट पूछते हैं, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, जो भी है, तो उनको मैं प्रॉपर चार्ट में, आपकी रिक्वायरमेंट होती है सर नाम लीजिए, तो आपका नाम आपके सामने रहेगा, ठीक है. चलिए जी, कल आपका ALP का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो रहा है, आपको पता ही है. तो कुछ बच्चे हमारे जो ALP वाले हैं वो भी होंगे, आगे बढ़ें.
जी कोई दिक्कत नहीं है, जो आ सकते हैं वकार जी, देखिए बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिखा है, तो वकार हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक डाइजेस्ट हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं जिनको मुझे नाम अच्छे से याद है उनका, लेकिन ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी से। आपका होमवर्क जो सेशन था, होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया था, उस होमवर्क में जो आपने आंसर लिखा था, आपका आंसर जो आ रहा है, इसमें कुछ बच्चों का डाउट था कि सर आपने जो दिया है आपका 590, आपका इसमें आया कितना, 590 हर्ट्ज आ रहा है। तो जिन्होंने किया है प्रॉपर कैलकुलेशन उसका सही आया है, जिन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है तो फिर से वो क्रॉस चेक कर लेंगे तो उनका आराम से आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पहला होमवर्क का आंसर था, इसको आप देख लीजिएगा। आपके दूसरे होमवर्क का आंसर जो है वो देख लीजिए आप, ताकि आपको थोड़ा सा, ये आपका दूसरा होमवर्क था, प्रॉपरली इसको देख लीजिए। इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आया है 13 मेगाहर्ट्ज़। अच्छा, कुछ बच्चों ने बोला है कि सर आपने जो फॉर्मूला लिखाया है वो फॉर्मूले में थोड़ा गड़बड़ है। एक्चुअली बच्चा, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, अगर मैं लिखूं 1/2π √1/LC, ये है क्या एक्चुअल में, क्या है आपका ये 1/2π √LC तो है, मैंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया था, गलती क्या, मतलब कि मैंने थोड़ा सा उसको घुमा के लिख दिया था तो आप उसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो 1/2π √LC आप चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों बात एक ही होती है। तो मैंने जो कॉल्पिट्स का जो फॉर्मूला लिखा था, या जो हर्टले का लिखा था, कॉल्पिट्स का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, उसमें मैंने क्या लिखा था आपका 1/2π √LC इक्विवेलेंट, यही आपका फॉर्मूला एक्चुअली वो था। देखिए वहां मैंने 1/L1 में 1/C1 1/C2 कर दिया था, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो बच्चा, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे, जिनका सही हुआ है उनको बहुत बड़ी बधाइयां, जिनको सही नहीं हुआ है वो कैलकुलेशन मिस्टेक आपने की होगी, उनको आप एक बार चेक कर लेना, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्रिस्टल ऑसिलेटर की तरफ जी, ठीक है, कोई दिक्कत जी, परेशान मत होइए। रीना कुमारी जी हमारी रेगुलर बच्ची है, लेकिन वो आंसर नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं प्लीज आप आंसर किया करिए, तो मुझे लगता है कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। देखिए आपको पता है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करना आपको पता है कि आप 12 घंटे 15 घंटे करते हैं और आपको जो सैलरी मिलती है वो आप जानते हो। गवर्नमेंट जॉब से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं परफेक्ट, क्योंकि आपको एक तो नेम मिलता है, अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं, आप कहीं गांव में जाते हैं या कहीं जाते हैं, आपको नेम फेम सब मिलता है। तो जिन बच्चों ने, जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो बच्चा, हम आपके साथ हैं और लगे रहेंगे, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डर के आगे जीत है, एकदम सही बात है। तो आपको, जैसे आप बोलते हो हाउ इज जोश, तो आपका जोश हमेशा हाई रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा आपका हाई रहना चाहिए। आज का सेशन थोड़ा बहुत, आपका टाइम बहुत कम मिला मुझे, तो फटाफट उस टाइम को हम थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं जल्दी से। आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, देखिए अब जब मिलेंगे हम मंडे को, तो देखिए होता क्या है, अगर आपको पहले से कुछ चीज़ें आप पढ़ के आओ, उसमें आप अगर आप खुद से पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे डाउट्स मिलते हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो आपको सब ईजी लगेगा, लेकिन जब खुद से पढ़ते हो तो आपको डाउट्स आते हैं। तो आपका काम ये है पहले कि जब आप मंडे को मिलेंगे मुझसे, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर में जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है, आपने देखा, आप देखना गूगल पे या आपके पास जो बुक्स अवेलेबल होंगी उस पर आप क्रिस्टल ऑसिलेटर डाल के देखना, उसमें आपको कौन कौन से डाउट आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप कमेंट्स में इसी वीडियो पे, जो फ्राइडे का वीडियो है, आज का वीडियो है, इसी वीडियो में आप कमेंट्स में देना कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आती है, सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी बताएं कि सर मुझे इसका कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपको हर एक चीज के लिए करता हूं। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल होता क्या है, ठीक है, सबसे पहली बात ये है क्रिस्टल। तो जो देखिए ऑसिलेटर आपका था, दो टाइप का था, एक आपका ऑडियो था, एक आपका रेडियो था। ऑडियो और रेडियो आपने पढ़ा, ऑडियो में क्या हुआ था आपका आरसी फेज शिफ्ट था, जिसमें आपने वेन ब्रिज और आपने आरसी फेज शिफ्ट पढ़ा। एलसी आपका होता है रेडियो, जिसमें आपने तीन पढ़े, हर्टले कॉल्पिट्स और क्लैप। हर्टले कॉल्पिट्स से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, क्लैप से मे बी एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, तो आता नहीं है मोस्टली, ठीक है। फिर आपका आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, वो आप क्यों लेके आए, उसका कारण क्या था। देखिए आपका जो फ्रिक्वेंसी है, अगर प्रॉपर स्टेबल है, मान लीजिए आपकी घड़ी है, सपोज दैट, अगर वो कभी स्लो हो रही है कभी फास्ट हो रही है तो क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही आप जैसे माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो या माइक्रो कंट्रोल यूज करते हो, तो वहाँ पर आप क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हो। कभी आपने देखा होगा स्टील का, आपको दिखता होगा एक ऊपर आपका कैप लगा होता है, स्टील का लगा होता है, वो स्टील का जो होता है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर ही है। तो क्रिस्टल बना कैसे, उसकी खोज कैसे हुई, मैं अपने कॉलेज टाइम पे था, उसको मैंने रट मारा था, मैंने रट लिया था अच्छी तरह से, रट के मैंने एग्जाम दे दिया था। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ाने के लिए, मैंने खुद पढ़ा चीज़ें काफ़ी कुछ, तो मुझे काफ़ी कुछ नया मालूम चला। जैसे कि क्रिस्टल जो होता है आप नेचर में फाइंड करते हो, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
जब भी आप क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ते हो तो आपको कई सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, जैसे आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये 3-4 पॉइंट्स आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, इनका मतलब क्या होता है। तो यानी कि क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका नेटवर्क थ्योरी को भी लेके चलता है। आरएलसी सर्किट आप पढ़ते हो ना, रेजोनेंस कंडीशन, वहां पे क्वालिटी फैक्टर आप निकालते हो, ओमेगा एल बाई आर फार्मूला होता है आपका, तो कैसे निकालते हो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज बहुत ही आराम से, क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए पकड़ा था कि इसमें कुछ चीजें समझाने लायक हैं जिसमें आप समझ सको। जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं समझाऊंगा, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी मैं वहां पे आपको तेजी से भगा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन किस टाइप से उठते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम प्रॉपर समझते हैं पहले कि हर एक पॉइंट्स को। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, नेचर में फाउंड किया जाता है, पाया जाता है, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब भाई साहब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है आपका, इस पे आपका ट्रांसड्यूसर भी बनता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका जब आप पढ़ोगे, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ोगे तब भी आपका ये आएगा। तो क्या बोलते हैं आप कि ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है, ऐसा आप बोलते हो, इनवर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक है, दैट इज व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस देम दे वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यानी जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो एक फ्रीक्वेंसी यानी कि एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसको आप बोलते हैं क्या, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, कन्वर्सली क्या होता है इसका उल्टा, इफ दे आर मैकेनिकली प्रेस्ड दे जनरेट एन एसी वोल्टेज। आप ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा है ना। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, किसी भी एनर्जी को किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट करना। आपको पता है एनर्जी कई टाइप की होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, स्टैटिक एनर्जी होती है, कई सारी एनर्जीज होती है। ठीक है, तो किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे तो उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। सिंपल सी बात है। अब मुद्दा ये आता है कि सर अगर कोई मटेरियल है उस मटेरियल से वाइब्रेशन कैसे होगा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपका आता है किसका, फिजिक्स का। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा साउंड, आपकी फिजिक्स में है ये चैप्टर साउंड, जो आपके आरआरबी सीबीटी 1 में आएगा। साउंड ही बहुत प्यारा चैप्टर है ये, साउंड से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे आते हैं। साउंड एक्चुअली होता क्या है, वेव एंड साउंड। साउंड आपका दो टाइप का होता है, एक होता है साउंड, सिंपली अगर वेव की बात करो आप, तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है आपका ट्रांसवर्स नेचर। दो टाइप के होते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती हैं आपकी, जनरली आप साउंड वेव को बोल देते हो, कि जो अपने मेन पाथ के टो एंड फ्रो में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, ऑसिलेटर मतलब हुआ क्या, ऑसिलेटर मतलब होता है कि ऑसिलेट करना, चाहे वो टो एंड फ्रो करे चाहे वो ट्रांसवर्स करे, ऑसिलेशन होना बहुत जरूरी है। तो जब आप सिरेमिक में करंट को फ्लो कराते हो तो उस सिरेमिक मटेरियल में एक संकुचन बोलते हैं आप, जिसको हिंदी में एक कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्रेशन से क्या होता है, साउंड वेव जनरेट होती है। अब आप बोलेंगे सर साउंड वेव तो वो तो सुनाई देंगी नहीं, तो भैया मेरे साउंड वेव जानते हो ना आप, एक ऑडिबल होता है, एक नॉन ऑडिबल भी होता है, एक अल्ट्रासोनिक भी होता है, एक सुपरसोनिक भी होता है, आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो साउंड वेव जनरेट करता है, तो हमको बस हल्का सा एक जनरेशन चाहिए, दैट्स इट, उसके बाद तो हम उसको एम्पलीफाई करके उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया आपके सिरेमिक। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है आपका, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, कौन कौन से, क्वार्ट्ज होता है, रोसेल सॉल्ट होता है और टर्मेलाइन होता है। एक्चुअली आपको जब फॉर्मूला आएगा तो आप दिक्कत आपको नहीं आएगी, जब क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं ना, मेन मुद्दा ये है, ये तीन जो आपके मटेरियल है ना, यहाँ से क्वेश्चन जब उठता है तब आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो मेरा टारगेट ये है कि आप क्वार्ज, रोसेल सॉल्ट और टर्मेलाइन को एकदम बाय हार्ट कर लो, कि इन तीनों में की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप कब कौन सा यूज करते हो, कब कौन सा यूज नहीं करते हो। आप यहीं फंसते हो, क्योंकि मैं भी फंसता था यहीं पे। फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभी थ्योरी पार्ट में जब आप पढ़ते हो तो थ्योरी पार्ट आपको लर्न करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। तो मेरा टारगेट ये है कि आप इन तीन मटेरियल को प्रॉपरली देख लो, कि ये तीन मटेरियल होते कौन कौन से हैं, क्वार्ज, रोसेल सॉल्ट एंड टर्मेलाइन। मैं कॉलेज टाइम पे या अपने कोचिंग टाइम पे भी सुनता आ रहा था कि क्वार्ज आप यूज करते हो, क्वार्ज 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 क्वार्ज। मैंने कहा क्वार्ज ही क्यों यूज करते हो, कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो रोसेल सॉल्ट होता है आपका, रोसेल सॉल्ट हैव ग्रेटेस्ट पीजो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में सबसे ज्यादा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो आपका रोसेल सॉल्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। फॉर अ गिवेन एसी वोल्टेज दे वाइब्रेट मोर देन क्वार्ज एंड टर्मेलाइन, यानी कि ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं कंपेयर टू क्वार्ज एंड टर्मेलाइन। तो आपसे क्वेश्चन का पूछा जाए कि सबसे ग्रेटेस्ट पीजो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कौन दिखाता है, तो आपका रोसेल सॉल्ट दिखाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बात समझ आएगी बच्चा। तो आपको ये याद रखना है एकदम अच्छे से, ठीक है, कौन सा होगा आपका, रोसेल सॉल्ट होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मैकेनिकली दे आर वीकर. देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये. अगर आपको हाईएस्ट पीजो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चाहिए तो आपका एकदम सही है, रॉसेल सॉल्ट होगा. लेकिन ये मैकेनिकली बहुत वीकेस्ट होते हैं और ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं. दे आर यूज्ड इन माइक्रोफोन्स, फोनोग्राफ, पिकअप्स, हैंडसेट एंड लाउड स्पीकर. मैंने आपको बताया है कि आपका ये डिप्लोमा बीटेक का कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे थ्योरी पे बहुत फोकस करेंगे वो. आपकी कम से कम 60% थ्योरी आपकी आने वाली है और थ्योरी में ही बच्चा फंसता है. न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे, मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, मैंने जो एग्जाम क्रैक किए हैं तो मुझे पता है कि न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है. आपको दिक्कत थ्योरी में आती है क्योंकि आप रट नहीं पाते उसको प्रॉपरली. तो रटना कैसे है, समझना कैसे है उसको, आप एक प्रॉपर कि कहाँ से थ्योरी उठ सकती है, तो आपकी थ्योरी यहाँ से उठ सकती है. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्रिस्टल ऑसिलेटर में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम मतलब कि एक घंटा, लेकिन आज टाइम मिल नहीं पाया इसलिए ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो हम इसको फर्दर नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ से आपको समझाया कि रॉसेल सॉल्ट में ग्रेटेस्ट आपका होता है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन आपका जो होता है ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं. तो आपसे यूज पूछ लिया जाता है, तो आप यूज याद रखिए इनका यूज कहाँ होता है. तो दैट्स इट, इज द यूज. यहाँ तक क्लियर बच्चा? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए परफेक्ट. कोई दिक्कत यहाँ तक जी? किसी का शायद सिलेक्शन भी हो गया है आईएएस में, कोई पांडे जी करके हैं, तो उनको भी बधाइयाँ मेरी तरफ से. भगवान करे सबका हो जाए, कल रिजल्ट आए और आप सबका हो जाए. मुद्दा ये नहीं कि आप लाइव आते हो नहीं आते, मुद्दा ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए. वाईफाई सीट जाता है कि आप बस नौकरी पाओ, इस चक्रव्यूह से आप निकलो. क्योंकि जो प्रिपरेशन की चक्रव्यूह होता है बहुत ही बेकार होता है, वो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, ठीक है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टर्मलाइन. तो टर्मलाइन शोज द लीस्ट पीजोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी. टर्मलाइन जो होता है आपका सबसे लीस्ट दिखाता है. तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे लीस्ट कौन दिखाएगा, टर्मलाइन. सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा, तो रॉसेल सॉल्ट दिखाएगा. बट इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री, यानी कि ये लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये होता है. देखिए दोनों बातें याद रखिएगा, रॉसेल सॉल्ट सबसे ज्यादा पीजोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी दिखाता है लेकिन सबसे कमजोर होता है. लेकिन ये सबसे कम दिखाता है, लेकिन आपका जो स्ट्रांगेस्ट होता है सबसे ज्यादा होता है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्ट थ्योरी में कि सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन सा होता है, आपके दिमाग में क्वार्ट्ज घुसा रहता है, आप क्वार्ट्ज ही आंसर मार चले जाते हो, ठीक है. तो जरूरी नहीं है मेरा क्वार्ट्ज ही सही हो, ठीक है. जरूरी नहीं कि रत्ने सर ही सही हो, हाँ आप भी सही हो सकते हो और आप भी सही रहते हो हमेशा, ठीक है. इतना आप प्रिपेयर हो चुके हो, ठीक है. चलिए आगे बढ़े. इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड यूज एट अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी. ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और आपका वेरी हाई फ्रिक्वेंसी आप इसको यूज करते हो, ठीक है. आगे बात करते हैं क्वार्ट्ज. तो आपने देखा कि एक का पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा था लेकिन वो सबसे कमजोर था. दूसरा क्या था कि सबसे कम दिखा रहा था लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा था. तो बचा कौन सा आपके पास, क्वार्ट्ज. इसलिए आप क्वार्ट्ज यूज करते हो हमेशा. तो क्या है, क्वार्ट्ज इज कम्प्रोमाइज बिटवीन द पीजोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ रॉसेल सॉल्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टर्मलाइन. आप भी करते हो ना कम्प्रोमाइज अपने घर में, कभी पैसे की दिक्कत होती तो आप बड़े भाई अगर हो गए, बड़ी बहन अगर आप हो गए, तो छोटे भाई के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते हो. वोटिंग के टाइम पे आप क्या करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो कि जो सबसे कम करप्टेड है उसको आप वोट दीजिए. करप्टेड सभी होते हैं लेकिन सबसे कम कौन सा है उसको आप वोट देते हो. तो वैसे ही आप रियल लाइफ में जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो आप कस्टमर को देखते हो. आपने कोई चीज़ बनाई, मोबाइल बनाया आपने, आपने उसमें सब कुछ परफेक्ट किया, एकदम उसका स्ट्रेंथ, उसका बॉडी, उसका बैटरी, सब कुछ आपने परफेक्ट किया. लेकिन उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो कोई लेगा क्या, कोई नहीं लेगा. तो इसलिए आप जब भी रियल लाइफ में आते हो तो आपको कुछ जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को ले और आपका जो प्रोडक्ट है वो बिके. जैसे कि आप देख रहे हैं अभी रेडमी वगैरह जो मार्केट में चल रहा है आपका, क्यों चल रहा है, कारण वही है क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत हाई कर देते हैं. तो वैसे ही आप क्वार्ट्ज क्या करते हो, क्वार्ट्ज आप लेते हो क्योंकि आपको एक परफेक्ट लेना है जो आपको स्ट्रेंथ भी दे और आपको पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दे. तो क्या होगा, इट इज इन एक्सपेंसिव, ये सस्ता होता है एंड इजिली अवेलेबल इन नेचर. वाह बहुत बढ़िया, ये सिलिकॉन आपका इजिली अवेलेबल नेचर में है, वैसे ही आपका क्या होता है, ये भी इजिली अवेलेबल नेचर होता है, ठीक है. इट इज मोस्ट वाइडली यूज इन आरएफ ऑसिलेटर एंड फिल्टर, ठीक है. लास्ट पॉइंट देखते हैं, द नेचुरल शेप ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज हेक्सागोनल. आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उसका नेचुरल शेप कैसा होता है, तो वो हेक्सागोनल प्रिज्म होता है. आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में FCC BCC वगैरह पढ़ते हो ना, पैकिंग वगैरह, ठीक है. तो वहाँ पे आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके बारे में क्या होता है वो, विद पिरामिड्स एट द एंड्स टू गेट यूजेबल क्रिस्टल आउट ऑफ दिस इट इज स्लाइस्ड इन अ रेक्टेंगुलर स्लेप. यानी कि ये तो मिलता है आपको किसमें, हेक्सागोनल प्रिज्म मिलता है, लेकिन जब उसको यूज करने के लिए करते हो तो क्या करते हो, आप रेक्टेंगुलर शेप में इसको कट कर देते हो, ठीक है.
एंड थिकनेस क्या होती है उसकी आप टी मान लेते हो. द नंबर ऑफ स्लैब्स वी कैन गेट फ्रॉम अ नेचुरल क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्लैब एंड एंगल ऑफ द डिस्क. यानी कि आपका थ्योरी पार्ट है. तो आपने यहाँ से ओवरऑल ये सीखा कि आपके तीन टाइप के होते हैं, रॉसेल सॉल्ट, टर्मेलाइन एंड क्वार्ट्ज. तीनों से क्वेश्चन बनते हैं. ऐसा नहीं कि क्वार्ट्ज से ही क्वेश्चन बनेगा. ऑसिलेटर में क्वेश्चन अगर आपको याद है कि हाँ क्वार्ट्ज आ गया, क्वार्ट्ज ही हो गया. चलो ठीक है, क्वार्ट्ज नहीं मिलता हमेशा. ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं आता बच्चा. तो जी कट ऑफ आउट हो गया. अरे वाह छाया मौर्या जी, सही बात है क्या, ऐसा कुछ है क्या? चलिए आप लोग तो लगता है क्लास एक तो वैसे आपकी डिले हो गई है, प्लस आपका माहौल बना हुआ है एलपी वाला, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो आप कट ऑफ के पीछे परेशान रहेंगे. मैं समझ सकता हूँ कि मजबूरियाँ. ठीक है चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट है. नेक्स्ट आपको दिया गया है समथिंग, उसके डायमेंशंस को लेकर एक हल्का सा ओवरव्यू. अगर आप बात करें तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो थिकनेस पर डिपेंड करती है. देखिए क्या होता है आपका, द फार्मूला फॉर द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल इज एफ इक्वल टू के बाई टी, एफ इक्वल टू के अपॉन में टी, दैट्स इट. अब यहाँ पे आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों सिस्टम को लेके पढ़ते हो. कंट्रोल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, तो वैसे ही आप यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को लेके चलते हो. यही तो मजा है साइंस का कि आप हर एक फील्ड को आप अल्टीमेटली उसको क्या करते हो, मिक्स करते हो. अब मुद्दा ये आता है कि थिकनेस पे कैसे फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी, कि थिकनेस कम होगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कैसे होगी, थिकनेस कम होगी तो फ्रिक्वेंसी, सॉरी थिकनेस ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी कम कैसे होगी, मुद्दा इस बात का आता है. ठीक है बात समझ में आई. तो सिंपल सा फंडा है बच्चा कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा मोटी है, मान लो ये मोटा कोई चीज़ है और आपकी वेव यहाँ से चल रही है, तो सिंपल सी बात है इसको पार करने में टाइम लगेगा. टाइम लगेगा ना कि नहीं लगेगा, तो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी बताइए जी, बताइए. विजिबिलिटी ब्लर आ रही है आपका, शायद पिक्सल 480 होता है ना, आपने उसने बताया था 420 में लिया था, 480 होता है, ब्लर हो रहा है सर. नहीं चलिए आपकी, आप पिक्सल अपने बढ़ा लो बच्चा. ठीक है इसलिए आपको अमित कुमार जी आपकी इसलिए विजिबिलिटी ब्लर हो रही होगी. ठीक है चलिए तो बताइए थिकनेस पे फ्रिक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है, मुद्दा इस बात का है. ज़्यादा मोटा होगा तो ऑब्वियस बात है कि फ्रिक्वेंसी जो होगी आपका वेव जो होगा बहुत धीरे जाएगा. धीरे मतलब क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी होती क्या है आपका, सिंपल नंबर ऑफ साइकिल कितने आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपकी होती है फ्रिक्वेंसी. तो ज़्यादा मोटा रहेगा तो वो बहुत ही आराम से चीज़ें क्रॉस करेगा, क्योंकि आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी. फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है. आपको मैंने बताया था एक बार एक क्लास में कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई एक वेव है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या आपकी लाइट है सपोज, लाइट आपका एक मीडियम दूसरे मीडियम जाता है तो क्या चेंज होता है, तो आपका क्या चेंज होता है, आपका वेवलेंथ चेंज होता है, आपका स्पीड चेंज होता है, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है. कारण क्या है, क्योंकि आपका जो सोर्स पे वो डिपेंड करता है. लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पे आप थिकनेस के थ्रू क्या कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रहे हो. ठीक है थिकनेस के थ्रू आप फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, ऐसा नहीं, ये सोर्स ही तो हो गया. तो थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मोटा होगा, फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. थिकनेस कम रहेगी तो वो फास्ट ट्रेवल कर लेगा, तो आपका फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा. बात समझ में आई बच्चा, अगर दिक्कत होगी आपको तो आप बताना मुझे. ठीक है तो के क्या होगा आपका, इज अ कॉन्स्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन कट एंड फैक्टर्स एंड टी क्या है आपका, थिकनेस है. आप एक देखते हो ना फिगर, ये कुछ इस टाइप का, ऐसे आपने फिगर देखा होगा फिगर्स में, बहुत प्यार से बनाते हैं किताब में, एकदम प्यार सा. इसको क्या बोलते हैं कि आप ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है. अब इसी को आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हो. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा होता है आपका, कुछ इस प्रकार का होता है. आपकी बुक्स में दिया होगा, आप देखना एक बार, प्लीज जाके इसको आप देखना, क्योंकि आप एक बार देख लोगे ना फिर अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा चीजें, एकदम परफेक्ट क्लियर होंगी. तो ये आपका इक्विवेलेंट डायग्राम होता है किसका, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का. ऊपर ज्यादा हो गया क्या, एक मिनट चाहिए बच्चा, बस एक मिनट, चलिए एक मिनट चाहिए, बस एक मिनट, चलिए देख लेते हैं. तो आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये पता करना है कि इसका जो डायग्राम बनता है ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ये आपका कुछ इस प्रकार का बनता है. ये कैसे बनता है इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में. ठीक है क्लियर है, ये कैसे बनता है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बताइएगा आप. ठीक है थोड़ा टाइम हो गया आप लोग का, आपको भी आराम करना है, प्लस आप एलपी के कट ऑफ के लिए परेशान हो, तो आप होमवर्क लेते जाओ. ठीक है आप होमवर्क लेते हुए जाओ, बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है वो हम रिमेनिंग जो है मंडे को करेंगे. दो दिन छुट्टी है तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ ताकि आपको होमवर्क करने में दिक्कत ना हो. ठीक है तो होमवर्क करके आइए चलो बच्चा. ठीक है.
पहले मैं देख लूँ कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्रिस्टल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, ठीक है? तो क्रिस्टल में अभी आप मत जाइएगा, अभी हम बात करते हैं किसकी। हाँ चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए फटाफट इसको आप होमवर्क के लिए ले लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि हमारे जो एक्चुअली हमारी जो बैक टीम बेचारी है सुबह से बहुत मेहनत करती है, हमारे अभिषेक सर हैं, हमारे विक्की सर हैं, सुबह से लगे रहते हैं, तो इनका सोचना पड़ता है। तो आप फटाफट ले लीजिए इसका होमवर्क, जल्दी से ले लीजिए, ठीक है? आपका पहला होमवर्क हो गया, ठीक है, डन। चलिए आपका दूसरा होमवर्क देखते हैं क्या है। आपका दूसरा होमवर्क आपके सामने है, चलिए परफेक्ट, सबको विजुअल होगा आई थिंक, ठीक है? आपका दूसरा होमवर्क हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होमवर्क के लिए। जी ये तो आपका उसका हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक का तो नहीं, चलिए इसको देखते हैं। आपका ये तीसरा होमवर्क हो गया, परफेक्ट, ठीक है, आपका ये तीसरा होमवर्क हो गया, आगे बढ़ें। अरे वाह, आप लोग तो आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आप लोग आंसर देना शुरू करते हैं। चलिए आपका चौथा होमवर्क ये रहा, आपको होमवर्क थोड़ा ज़्यादा दूंगा क्योंकि दो दिन छुट्टी है, तो आप मौज में काटिएगा और कमेंट बताइएगा कि किसका एलपीएम हुआ किसका एलपीएम नहीं हुआ, ठीक है? और भगवान से हम प्रार्थना करें सबका एलपीएम हो जाए, कल नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है तो सबको एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नहीं अभी ये क्रिस्टल का है, एक्चुअली मैं सब लाया था क्रिस्टल क्वेश्चन, बहुत सारे लाया था लेकिन आज टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप भी हमारा सपोर्ट कर दिया करो बच्चा, ठीक है? चलिए ये आपका हो गया है क्वेश्चन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका ये क्वेश्चन बहुत प्यारा आ गया है, इसको आप देखिएगा, कितने क्वेश्चन हो गए और दूं क्या जी? रविंद्र चौधरी जी आप परेशान मत होइए, आपका कोर्स देखिए, कोर्स तो हम कंप्लीट करा के रहेंगे चाहे जैसे भी, यहाँ नहीं तो कहीं और, ठीक है? लेकिन कोर्स आपको कंप्लीट कराएंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है? चलिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, इसको देख लीजिए, बस करें क्वेश्चंस। अरे सागर कक्कड़ जी, हमारे विक्की सर हैं, अभिषेक सर हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान लो, वो सुबह से बेचारे आते हैं, सुबह 8 से लेके रात को 12 बजे तक क्लास ले करवाते हैं आपकी, तो उनका भी थोड़ा देख लीजिए। हमारे आशीष सर भी हैं इलेक्ट्रिकल के, 40 किलोमीटर से दूर आते हैं क्लास लेने के लिए, तो आप समझ सकते हैं बच्चा, ठीक है? तो आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको मैं होमवर्क देता जा रहा हूँ ताकि आप लोग उसको करके आओ। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी आते हैं, ये सब बरसाती मेंढक वाले क्वेश्चन हैं, ये आपसे अचानक पूछ लिए जाते हैं, इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन तब भी आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि भाई ऑसिलेटर आपके सिलेबस में है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए है बरसाती मेंढक वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका आंसर आप बताइए क्या आंसर इसका होगा, डन। और क्वेश्चन बताएं। अरे वाह, थैंक यू सो मच मनीष कुमार जी, मुझे भी अब हमारी मैडम को भी आप कर रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, चलिए हो गया आपके लिए, इतना ही था। तो जो आपके क्वेश्चंस और जो बचे हैं क्रिस्टल वाले, वो हम करेंगे मंडे को, तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एडवांस में, हमारी तरफ से भी, विक्की सर की तरफ से भी, हमारे आशीष सर इलेक्ट्रिकल के हैं उनकी तरफ से भी आपको हैप्पी नवरात्रि, पूरी वाईफाई स्टडी टीम तरफ से आपको हैप्पी नवरात्रि, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो आज के लिए माफ़ी चाहते हैं, मंडे को मिलते हैं इसी टाइम पर, इस समय पर, बाय बाय, टेक केयर।